यस फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जो इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड वाला चैप्टर है उसमें जो रिकन्सिलेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। रिकन्सिलेशन वाले क्वेश्चंस में हमारे पास कॉस्ट और अकाउंट्स, मतलब कॉस्ट की बुक्स और फाइनेंशियल्स बुक्स दोनों बनाई जाती हैं। इट मीन्स ये नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का ही पार्ट है। तो जब दो तरीके की बुक्स बनेंगी, कॉस्ट की बुक्स बनेंगी और फाइनेंशियल्स की बुक्स बनेंगी, तो कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल्स में आते हैं, या कुछ ऐसी इनकम होती है जो फाइनेंशियल्स बुक में ही आती है। जैसे सपोज करो डिविडेंड रिसीव्ड मैं कहता हूँ, तो डिविडेंड जो इनकम है तो हमारी फाइनेंशियल्स बुक का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कॉस्ट की बुक का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। तो इस केस में उन एक्सपेंडिचर के उन इम्पैक्ट्स को हमें हटाना होता है, ठीक है। तो ये हम अभी आपको समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। The net profit of a manufacturing company appeared 64,500 as per financial books, and the cost book, however, showed a profit of rupees 86,460. A careful study scrutiny of the figures from the both the set of books revealed the following: income tax provided in the financial books, bank interest credited in the financial books, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, ठीक है, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन द फाइनेंशियल बुक्स, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन द कॉस्ट बुक्स। चलिए इसी तरीके के हमने सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, अब इनका एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग बनाएंगे, यहां लिखेंगे हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। किसी भी एक प्रॉफिट को आप ऊपर लिख लें तो दूसरे प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। चलिए जैसे मैं लिखता हूं प्रॉफिट फाइनेंशियल बुक्स का, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। अब हम ये यहां पर ऐड करना है। मैंने चार तरीके के कॉन्सेप्ट बताए थे, ऐड, एक्सपेंडिचर और लॉसेस, ओनली शोइंग इन फाइनेंशियल बुक्स। इसका मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर या जो लॉसेस हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में आ रहे हैं, तो ऐसे ही इनकम्स ओनली शोइंग इन फाइनेंशियल बुक्स। तो ऐसी इनकम, मतलब अगर मैं कहता हूं कि इस फाइनेंशियल बुक में ऐसी कोई इनकम है जो सिर्फ फाइनेंशियल बुक में ही शो हो रही है, तो इसका मतलब ही है कि हमारे फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो उसे कम कर देंगे। तो देखिए यहां पर हमारा जो प्रॉफिट है वो है 64,500। अब जैसे देखिए इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल बुक्स, ये हमारा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो सिर्फ फाइनेंशियल की बुक्स में ही आ रहा है। ऐसे बैंक इंटरेस्ट, ये ऐसी इनकम है जो सिर्फ फाइनेंशियल की बुक्स में ही आ रही है, ठीक है। इसके बाद देखें लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस, ये फाइनेंशियल बुक्स में है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट बुक्स। तो ऐसा करते हैं, अगर मैं इसमें एडजस्टमेंट नंबर और लिख दूं
तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। सेवेंथ नंबर एडजस्टमेंट है, ये फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट है और ये सेकंड नंबर एडजस्टमेंट है। अब और आसान हो गया ना। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो एट्थ नंबर एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है ये 4,000 रुपये। ठीक है, अब आप देखें स्टोर एडजस्टमेंट, ये फाइनेंशियल बुक में ही है 240 रुपये का, तो ये हटाए। नॉर्मल एडजस्टमेंट इसके बाद लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू, ये 33,000, 33,50, ये भी फाइनेंशियल में ही मानेंगे हम। लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक ये कितना है 3,350। ठीक है, अब देखिए अब मुझे ये देखना है अंडर एब्जॉर्ब एंड ओवर एब्जॉर्ब। पहले मैं बात करता हूं अंडर एब्जॉर्ब की। अंडर रिकवर्ड का मतलब क्या होता है? अंडर रिकवर्ड का मतलब है कि कॉस्ट में हमारे कम है और फाइनेंशियल्स में हमारे ज्यादा है। ठीक है ना, तो अंडर रिकवर्ड इसका मतलब क्या है? एक्सपेंसेस इन कॉस्ट बुक इज लेस देन फाइनेंशियल बुक। क्यों भाई? कॉस्ट की बुक में कम रिकवर हुई ना। अंडर रिकवर्ड किसमें? अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक, टेक्निकली तो यही मीनिंग हुआ ना। चार्जिंग और एब्जॉर्प्शन तो कॉस्ट में ही करते हैं। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर अगर फाइनेंशियल की बुक में ज्यादा हो चुका है तो उसे वहां से कम करेंगे। तो देखिए कितना है वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड कितना 1,550। तो ऐसे ही हम अब ओवर एब्जॉर्ब की बात करें। ओवर रिकवर्ड का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इज लेस देन कॉस्ट एक्सपेंसेस। तो यहां से रिकवरी कॉस्ट फाइनेंशियल का एक्सपेंसिचर बढ़ाए। तो ये देखिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ओवर रिकवर्ड हाउ मच? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर्ड 850। चलिए आगे देखें। अब हमारा सिर्फ डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन आप देखिए फाइनेंशियल की बुक्स में कम है, कॉस्ट की बुक में ज्यादा है। तो डेप्रिसिएशन कि जो ओवर रिकवरी हुई है 400, और देखिए कोई आइटम बचा है तो आप देखिए वर्क ओवरहेड ये था थर्ड नंबर था, डेप्रिसिएशन हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा सिक्स्थ नंबर। ये सारे हमने कर दिए। अब इनका जो टोटल है वो यहां लिखते जाए। ठीक है, ये हो जाएगा 5,000। तो 2,615,0, 1,550 ये आ जाएगा 4,490,
और 1250। जब इन सबका एडजस्टमेंट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 86460। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स, ठीक है, यही आपसे पूछा गया है तो वो आपने बना दिया है। इसमें जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको हटा दें, चलिए रहने दें, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने समझा, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल रहेगा और इजीली हम उसे करेंगे। थैंक यू।